विच मुल्क दे वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने रोड शो कढ़िया है। बीजेपी की कौमी कार्यकारिणी की बैठक तो पहला रोड शो कढ़िया गया। थोड़ी देर दे दरमियान ही कौमी कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने जा रही है। मुल्क दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह वज़ीर अमित शाह समेत कई सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तस्वीर देख सकते हो कि मुल्क दे वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी अपनी गड्डी ते हाथ हिलाते हुए अपने वर्करां नूं जिहड़े कि बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। कोरोना के दौरान जिस तरह से मदद हुई है उससे दुनिया भर ने भारत का लोहा माना है कि हम किस तरह से कल्याणकारी योजनाओं को। सो बीजेपी 2024 के किले नूं फतेह करने वास्ते तैयारी खिंच रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सो देख सकते हो कि मुल्क दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते गृह वज़ीर अमित शाह प्रधानमंत्री धीरे धीरे जो बीजेपी दे कौमी प्रधान जेपी नड्डा जगत प्रकाश नड्डा ड्रेस कोड भी कितने ना कितने मैच देखा जाता है क्योंकि सियासत दे विच रंग समा परिस्थितियां स्थितियां बहुत कुछ मैटर कर दिया ने। सो दिल्ली दे विच मुल्क दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कढ़ते दिखाई दिते जिथे के तमाम मसलों ते चर्चावां कुछ मिनटां दे दरमियान होणगियां। कुछ पलां दे बाद ही जिहड़ी कौमी कार्यकारिणी की बैठक उह शुरू होएगी। कार्यकारिणी मीटिंग तो पहला रोड शो कढ़िया गया। कार्यकारिणी की बैठक विच मुल्क दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह वज़ीर अमित शाह सने कई दिग्गज बीजेपी दे उह शामिल हो रहे हैं। सो दो जिहड़े रोड शो काफ़ी चर्चित हो रहे हैं मुल्क दे विच। पहला रोड शो मुल्क दे वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी का, दूजा भारत जोड़ो यात्रा भी काफ़ी चर्चा ते सुर्खियां दे विच है। सो दिल्ली दे विच मुल्क दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो कढ़िया है। बीजेपी की कौमी कार्यकारिणी की मीटिंग तो पहला यह रोड शो कढ़िया गया। थोड़ी देर दे विच ही कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने जा रही है। मुल्क दे प्रधानमंत्री अते गृह वज़ीर इस बैठक शामिल होणगे। 2024 दे इलैक्शन के मद्देनज़र मंथन हो सकता है कि 2024 दा किला किस संदर्भ च फतेह करना है। तुहानूं दस दईए कि महज एक साल तो ज़्यादा का जिहड़ा समा बाकी है कि 2024 दीआं इलैक्शनज पूरे मुल्क भर दे विच होणगीआं। लोक सभा इलैक्शन दे दरमियान जिथे दंगल पखेगा उत्थे ही इलैक्शन तो पहला 2024 दे विच जिहड़ा ब्ल्यू प्रिंट जिहड़ा पूरा पाथ रस्ता बीजेपी ने तैयार किया उसके मायने की होणगे। 2024 दे विच NDA नूं टक्कर की UPA दे पाएगा, UPA ते महागठजोड़ की कुछ रंग ले आएगा। मुल्क दी सियासत ते दो वड्डियां जिहड़ियां चीज़ां वो अहम रहणगियां। दो वड्डियां तस्वीरां देख सकते हो, पहली राजधानी दिल्ली तो तस्वीर, दूजी हुशियारपुर तो सीधा प्रसारण तुसीं देख रहे हो। सियासत दा शक्ति प्रदर्शन देखिया जा सकता है। पहली दूजी तस्वीर बहुत कुछ स्पष्ट कर रही है कि मुल्क दी सियासत विच 2024 दे दंगल तो पहला जिहड़ियां चर्चावां हो रही ने जां जिहड़े रस्ते ते सियासी धिरां ने उस दे वड्डे मायने ने, क्योंकि वड्डे पद्धर ते प्रचार जिथे कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया उत्थे ही मुल्क दे वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी देखे जा सकते हैं जिहड़े कि रोड शो कढ़ रहे है जिन्हां ते गुलाब दे फुल्लां दी बरसात हो रही है। सो कौमी कार्यकारिणी बीजेपी की बैठक सी। बैठक तो पहला तमाम तरह के शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन का टिकाणा 2024 है। शक्ति प्रदर्शन 2024 के इलैक्शन के मद्देनज़र किए जा रहे हैं। तुहानूं दस दईए कि 2024 यानी कि 2024 दीआं लोक सभा इलैक्शन पूरे मुल्क में होणगीआं। इस दरमियान मुल्क के वक् वक् हिस्सों जिथे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो उत्थे ही कांग्रेस की कर रही है, कांग्रेस मुल्क भर च भारत जोड़ो यात्रा का रुख कर रही है। आदमपुर तो सीधा प्रसारण तुसी देख रहे हो जिथे कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी, पंजाब की लीडरशिप राहुल गांधी नाल पैदल यात्रा करती देखी जा सकती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी चर्चा च है। कांग्रेस भारत में जोड़न का काम करती है जबकि UPA ते NDA कटाक्ष करता है। बीजेपी कांग्रेस से कटाक्ष करती है
कि किस भारत को जोड़ने की गल राहुल गांधी कर रहे हैं, जबकि अखंड भारत का जिक्र मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी करती है। इस तरह की चर्चा च इल्जाम तराशियों का दौर भी जारी है। अभूतपूर्व ये दृश्य हो जाता खुशी को जता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन करते हुए अपने रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन कर रहे हैं अपनी गाड़ी से बाहर। सो दो तस्वीर बड़ी अहम ने, दिल्ली तो लैके पंजाब तक मुल्क दे सियासत चर्चा हो रही है। सो इन दो मुख खबरों पर अनमोल गुलाटी साढ़े पत्रकार तफसील नाल जानकारी दी सांझ पाएंगे, जो कांग्रेस दी महारैली कवर कर रहे हैं। अनमोल, बहुत वड्डे मायने ने 2024 दे इलेक्शन तो पहला जिते मुल्क दे प्रधानमंत्री दिल्ली शक्ति प्रदर्शन करते देखे गए, उत्थे कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन कर रही है, की लगता है यूपीए वर्सिज एनडीए जा कोई होर बदल आएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन करते हुए अपने रोड शो के दौरान सबसे पहला रैली दी जो यात्रा की जा रही है, तो यात्रा नु समर्थन किस तरीके का मिल रहा है वो तस्वीर दे विच देखो देखा जा सकता है कि लोग जड़े की है हुम हुमा के इस यात्रा दे विच जड़े की है पहुंच रहे ने। जेकर लोगों की गल की जाए तो देखो बड़े पद्धर से सपोर्ट जड़ा की है लोगों का इस यात्रा नू मिलता नज़र आ रहा है, तो जेकर जिस तरीके लोगों का सपोर्ट मिल रहा कितना कितने कहा जा सकता है कि जिन मुद्दों को लैके राहुल गांधी सड़कों पर उतरे वो मुद्दे कितना कितने लोगों नाल कोरिलेट तो जरूर कर रहे हैं, तो उही मुद्दे ने जिन्हों लैके यूथ भी परेशान है। बेशक बेरोजगारी की गल की जाए या फिर लिटरेसी की गल की जाए या फिर धर्म के उत्ते राजनीति की गल की जाए, इस वक्त जोड़े कि लगातार जोड़े इस यात्रा के नाल जुड़ भी रहे हैं, तो यूथ खास तौर पर काफ़ी इस यात्रा के जुड़ रहे हैं। भाजी यूथ जोड़ा इस यात्रा के काफ़ी जुड़ रहा, उसके पिछे कारण की लगता तुम्हें? सर सब तो वड्डी गल जो अज दे टाइम च यूथ का मुद्दा गा वो पूरे इंडिया भर च बेरोजगारी अनइंप्लॉयमेंट आ, डे बाय डे अनइंप्लॉयमेंट की जो रेट आ वो वधदा जा रहा गा, तो उस करके यूथ नूं ये लगता गा कि जो कांग्रेस पार्टी आ वो एक उन्होंने इंप्लॉयमेंट इशूज से वर्क कर सकती, अनइंप्लॉयमेंट नूं घट करन लई कर सकते, जिदा कि पहला 2019 च भी चलो एक मोदी वेव सीगी कांग्रेस ने उदो भी एक बेसिक इनकम पैकेज दे टाइप ते लॉन्च किया सीगा, जो कि चलो ठीक है उस तरह उस मौके ते मैसेज नहीं दे पाई पार्टी, पर एक बहुत वधिया कंसैप्ट सी। अज दे अपने प्रधानमंत्री ने वो कहिंदे ने लोगों को पकौड़े तलो ही करो, एक बंदा ग्रैजुएशन करके पकौड़े वेचूगा यार, उहदे नाल तुसीं एक कोई जिन्ना टाइम तुसीं एक रिफॉर्म नहीं लैके आउंदे, एक पॉलिसी मेकिंग च नहीं आउंदे, एक स्टेट्समैन गवर्नमेंट नहीं आउंदी, उन्ना टाइम जिहड़ी अनइंप्लॉयमेंट घट नहीं हो सकदी। जी बिल्कुल, जिस तरीके नाल अनइंप्लॉयमेंट जिहड़ा की है एक वड्डा मुद्दा जिहड़ा की है इस बेशक यात्रा का गिणा जा रहा, होर बहुत इहो जिहे मुद्दे ने जिन्हां नूं लैके जिहड़े लोग ने इत्थे जुड़दे नज़र आ रहे। तुसीं तस्वीरां दे विच देख सकते हो साफ तौर पर कि वड्डी गिणती दे विच इत्थे जिहड़े आम लोग ने वो इस यात्रा के जुड़ते नज़र आ रहे हैं। गुरप्रीत जी पी दे सन इतने मौजूद ने भाजी, जेकर इस यात्रा की गल की जाए तो चलो आम लोगों के लिए तो है ही, लेकिन जो लीडर जोड़े लीडर हैं या कह जाए पार्टी का वर्कर है उस दे विच कितना कुछ ज़्यादा उत्साह है इस यात्रा को लेकर? देखो तुसी आप देख सकते हो भी इतने लोग जोड़े है पार्टी के वर्कर तो अलावा लोग आप मुहारे बहुत बार राहुल गांधी जी नूं देखण दे लई उन्हां दी झलक लैण दे लई ते इस यात्रा नूं देखण दे लई सारे किन्ने वड्डे तादाद दे विच लोक बाहर आ रहे ने, क्योंकि उन्हां नूं पता है भी इह जिहड़ी यात्रा है कोई सियासी मकसद दे लई नहीं, इह देश दे लई है। ते अज उस चीज़ का जिहड़ा लोकां दे विच प्यार है वह राहुल गांधी जी दे लई है, ते उह प्यार लोक अपना दिखाउण वास्ते एक्सप्रैस करन वास्ते आ जा रहे ने। तो बिल्कुल लोगों के दिलों के प्यार है, उस प्यार नूं एक्सप्रैस करने के लिए लोग कितना ना कितने सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, तो कितना कितने कहा जा सकता है फिर ये यात्रा जिहड़ी कि इस वक्त कढ़ी जा रही है पंजाब दे विच इसका पंजवां दिन है, तो पंजवें दिन ये यात्रा कुछ ही देर बाद खत्म भी होने जा रही है, आखिरी पड़ाव जिहड़ा कि है वो शुरू हो चुका है। तुहानू तस्वीरां दिखा दिए कि डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू भी जड़े कि ने इस वक्त इस यात्रा के मौजूद ने, इस तो अलावा अमृता वड़िंग इस यात्रा के मौजूद ने। मुख तौर पर हर सूबे के एक महिला का दिन जड़ा कि रखा जाता है,
पंजाब दे विच उहदे नाल रख्या गया कि महिलावां नाल गलबात जिहड़ी कि इस यात्रा दे विच राहुल गांधी वल्लों कीती जाऊगी। तो अज काफ़ी महिलावां जिहड़ियां इस यात्रा दे विच मौजूद ने तो राहुल गांधी दे नाल गलबात जिहड़ी कि है वह करदी नज़र आ रही हैं, जिस नूं लैके साफ तौर पर कहा जा सकता है कि महिलावां अज वध चढ़ के इस यात्रा दे विच हिस्सा लैंदी नज़र आ रही हैं। बेशक डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू की गल की जाए या फिर गल की जाए अमृता वड़िंग की, काफ़ी जिहड़ी महिलावां ने सीनियर कांग्रेस लीडर्स ने वो जिहड़े कि है इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा दे विच जुड़दी नज़र आ रही हैं। अमृत गिल इस वक्त इत्थे मौजूद ने। अमृत, जेकर गल की जाए अज का दिन जिहड़ा कि रखा गया सीगा महिलावां लई सक्सेसफुल रहा तुहानूं लगदा बाकी सूबे की तरह? बिल्कुल, बाकी सूबियां दी तरह ही उस तो भी वधिया रहा। सारे कांग्रेस दे लीडर्स कांग्रेस नूं प्यार करन वालियां महिलावां और जिहड़ियां महिलावां कांग्रेस दी भारत जोड़ो यात्रा दे विच इक उम्मीद इक उमंग देखदियां ने, इक उत्साह है उहनां दे विच, ओह सारियां इहदा हिस्सा बणियां ने। सवेरे देर सवेर तो इकट्ठ होना शुरू हो गया सीगा, एक बजे तो तुरियां हुई ने लेडीज बठिंडे तो मैं 1 बजे चल के 6 बजे इतने पहुंचिया सीगिया, होर सारे कितों लेडीज आ रही ने और उन्होंने ए लगता है भी कोई साढ़े लिए तुरिया होया। मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में खोलन लई ए नफरत, पर क्योंकि पंजाब का जेड़ा माहौल है ना आज दे टाइम से नफरत फिरका प्रस्ती तो नहीं कहूँगी पर लॉ एंड ऑर्डर करके बड़े डर का माहौल है, तो उहदे विच हरेक नूं लगदा है भी नैशनल लैवल ते भी आइडियोलॉजी जिहड़ी है बदलनी चाहीदी है, तो कोई एहजा सिस्टम होना चाहिए जेड़ा देश नूं तरक्की दी राह ते लेके जावे, अगे वध सकीए, असी हरेक नूं नौकरी मिले, स्टार्टअप्स होन, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बिजनेस ग्रो करे, हरेक बंदे दी आमदन जिहड़ी हैगी है वधे, हरेक बंदे दी आमदन वधे ते ओह परिवार ओहदा वधे फुले तरक्की करे नौकरी मिले, इस उम्मीद नूं उमंग नूं लैके भारत जोड़ो यात्रा चली है। बिल्कुल, आदमपुर तो दो तस्वीर तुहानू असीं दिखा रहे हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब दे विच आदमपुर तो सीधा प्रसारण देख रहे हो। अनमोल तुसीं गलबात जारी रखो, मुड़ जुड़न की कोशिश तुहाडे नाल असीं करांगे। इस कांग्रेस के सीनियर लीडर अते पंजाब की लीडरशिप इस रैली दे विच जुड़ी हुई है।